Jose, Bhaskar, Dono. May I am telling about the things what we are going to do, like what we are planning to do for eating. Very cheap price. बहुत कम पैसे में हम लोग खाने वाले. हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है नए वीडियोस में. अभी मैं आ गया हूँ बिरला प्लेनिटेरियम, MB बिरला प्लेनिटेरियम. अभी यहाँ पे लाइन लगी हुई है. वैसे अभी करीबन बज रहे हैं 1:30, तो यहाँ पे 1:30 बजे के बाद से लाइन चालू होती है. और 120 रुपये की टिकट है वैसे, और हम लोग ऑनलाइन टिकट नहीं निकाल सकते. मैंने यहाँ पे बहुत लोगों से पूछा, ऑनलाइन सर्च किया, बट यस, हम लोग ऑनलाइन टिकट नहीं निकाल सकते, यहाँ पे लाइन लगानी पड़ेगी. अभी फ़िलहाल रास्ते में बहुत बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ. वैसे यहाँ का शो जो है आधे घंटे का होता है. आधे घंटे में आपको यूनिवर्स के बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप जान सकते हैं यूनिवर्स के बारे में, अपने पाषाण युग के बारे में और पुराने ज़माने के बारे में. तभी मैं भी जाता हूँ, चेक करता हूँ कि कैसा है, और साथ ही साथ आपको भी बताता हूँ. ये शो की टाइमिंग्स है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली, ये तीन लैंग्वेज में हम लोग देख सकते हैं, और प्राइस भी लिखा हुआ है. इतनी लंबी लाइन कभी देखी है? ये अंदर से कुछ इस तरीके से लगता है, देखने में तो थोड़ा सा अलग ही है. अब ये चालू हो तो पता चले कि एक्चुअल में कैसा है. सीट वीट बैठने के लिए ऐसी है, जैसे कि ये सब. तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें, जो हमारे ब्रह्मांड, हमारा सोलर सिस्टम, और जैसे चांद कैसे बना, चांद 1 महीने के अंदर बन गया था, वो बताते हैं हमें. और बहुत सारी और अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें डिटेल में पता चलता है, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, डायनासोर कैसे ख़त्म हो गए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे आके सीख सकते हैं, जान सकते हैं हमारे हमारे पास्ट के बारे में, हम कैसे बने, हमारा हमारा रचना कैसे हुई, और ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम कैसे कैसे काम करता है. तो ये सारे डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बताते हैं. और साथ ही साथ में जो टिकट है वो कुछ 120 रुपये, मैं आपको टिकट दिखाता हूँ. टिकट का प्राइस भी बहुत अच्छा ही है. 120 रुपये में आपको जो भी वो जो सीट थी वो पूरी राउंड राउंड घूम रही थी. वैसे कुछ इस तरीके से आपको सीट मिलती है, अगर आप देख पा रहे हैं, 120 रुपये का है. आप हिंदी के शो आराम से 3 टाइम में देख सकते हैं, 12, 2 और 4 के बीच में, और बंगाली और इंग्लिश का भी शो चलता है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं. वैसे मैं अभी आ गया हूँ इंडियन म्यूजियम में. हाँ, इंडियन म्यूजियम, इसका टिकट है कुछ ऐसा, जिसका कॉस्ट लगा है मुझे 50 रुपये. यहाँ पे वीडियो शूट करने का भी एक्स्ट्रा चार्जेस है. फिर ये जो फर्स्ट फ्लोर पे है, यहाँ पे आर्ट गैलरी है, जहाँ पे पूरे चित्रकार और ये सब पूरा दर्शाया गया है, आप जैसे देख सकते हैं. मैं आपको और दिखाता हूँ इसी तरीके से.
यहाँ पे सब्जियाँ भी है, पूरे रसायन खाद वो सारी डिटेल्स, फ्रूट, हमारे गांव, जड़ी बूटियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तेल, रसायन, खेती और पूरे बहुत सारे डिटेल्स हैं हमारे समाज के बारे में, हमारे इंडियन होने के बारे में और हम लोग कैसे कैसे ये सब यूज़ करते हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। तो फिर कुछ ऐसा रहा अपना इंडियन म्यूज़ियम, बताइएगा आपको कैसा लगा। देखने जाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत है। देखिए मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं वहाँ पर करीबन 2.5 घंटा घूमा यार। सीरियसली देखने जाऊँगा तो इतना अच्छा आर्ट वहाँ पे, स्ट्रक्चर्स, पुराने ज़माने के आर्ट और पाषाण युग के भी आर्ट, हाथियों और ये सब के कंकाल उंकाल, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो हमें देख के बहुत मज़ा आया, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया। वैसे अब मैं वहाँ से निकल के थोड़ा दूर चल के अब मैं आया हूँ पार्क स्ट्रीट। ये इतना अच्छा सजा हुआ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। मतलब कि ये दुर्गा माँ का और दिवाली चल रही है तो यहाँ पे फ्राइडे बोल तो रहे हैं कि आज लास्ट दिन है, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि ये इतना अच्छा सजा के पूरा रोड को एकदम क्लीन करके, मुझे तो बहुत मज़ा आ रही है यहाँ पे घूमने में। मुझे शायद से एक फ्रेंड मिलने वाला है, उसने बोला था कि मैं पार्क स्ट्रीट पे रहूँगा तो मैं जा रहा हूँ उसको कॉल करने, अगर वो मिलता है तो साथ में ट्रैवल करते हैं। वैसे वो जो फ्रेंड मेरा आने वाला था उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई तो वो हॉस्टल में रुक गया यार, मुझे लगा था कि वो आएगा, बट कोई बात नहीं, अभी मैं भी जा रहा हूँ सच में हॉस्टल में भी, बिकॉज मेरा ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम बाकी हुआ है। आज फ्राइडे है और सैटरडे संडे छुट्टी है मुझे, तो वही मैंने भी जा रहा हूँ हॉस्टल में, थोड़ा काम करता हूँ और उसके बाद कुछ करूँगा एक्स्ट्रा। वैसे मैंने रैपिडो मंगाया है, बाइक सर्विस होती है वो, जिसमें मेरे को 22 रुपये में हॉस्टल तक पहुँचा देगा, करीबन 3.5 किलोमीटर से, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर थोड़ा ऑफिस का काम किया और अब बाहर निकल आए हैं मैं, मेरे साथ भास्कर एंड होजे। हाय होजे। तो अभी हम लोग निकल आए हैं बाहर, देख रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे कुछ जगह मिल जाए, जिसकी अभी भूख तो बहुत तेज लगी हुई है, करीबन 8:30 हो रहे हैं और सिर्फ फ्रूट सैलेड खाया था जो दोपहर में खाया था, उसके बाद तो कुछ खाया नहीं, तो वही सोच रहे कि अभी यहाँ पे कुछ मिले जो पेट को लगे और थोड़ा पेट भी भर जाए लेकिन थोड़ा प्राइस भी कम रहे। तो होजे भास्कर दोनों, मैं आई एम टेलिंग अबाउट द थिंग्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लाइक व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू फॉर ईटिंग, वेरी चीप प्राइस, बहुत कम पैसे में हम लोग खाने वाले। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमें। यस, नॉट स्ट्रीट फूड, मे बी समटाइम्स और एस इट इज गोना हैपन। भास्कर, यू वांट ऐड समथिंग, व्हाट यू वांट मी टू ऐड, एनीथिंग, कुछ भी जो आप बोलना चाहो, जो कि अभी आई गेस कोलकाता इज ए प्लेस टू एक्सप्लोर इफ यू हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, सो ओवरवेलमिंग। सेम थिंग गोज टू मी एज वेल, कि अभी हम लोग भी यही कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, खाना भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्लेसेस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जाते हैं आगे देखते कुछ मिलता है क्या हमें। अभी हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने। हाउ वाज द फूड? गुड, इट इज गुड, अच्छा लग रहा है फूड। आज भाई दाल और रोटी खा रहे हैं। बहुत गर्म लग रहा है लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आपको भा रहा है? अच्छा है, अच्छा है ना, नाइस फूड। खाना खा के तो हो गया, अब वहाँ से निकल के हम जा रहे हैं पार्क स्ट्रीट। अभी तक मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं लिया था अपने गाड़ियों का। अभी तक मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं लिया था कि ये मेट्रो का, तो अभी वो भी एक्सपीरियंस लेके देखता हूँ। 10 रुपया टिकट लिखता है यहाँ से, मुझे पता नहीं था एक्चुअली, बट आप जान सकते हो कि अगर जिसको नहीं पता है वो उसको पता चल सकता है। ऐसे मेरे साथ हुआ, मेरे साथ होते और भाई मिले थे तो उन्होंने मुझे हेल्प किए,
कि ऐसे यहाँ से जा सकते हैं, तो मैं भी जाता हूँ, टिकट निकालता हूँ और आज कोलकाता के मेट्रो में ट्रेवल करता हूँ। तो से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से हॉस्टल के पास, और हॉस्टल में अभी यहाँ पे हमने पार्क स्ट्रीट तो पूरा का पूरा घूम लिया, जो कि बहुत मजा आया हमें। जस्ट अभी 11:30 होने वाले हैं, मेट्रो बंद हो चुका है, तो दैट्स व्हाई हम लोग अभी सब लोग जा रहे हैं हॉस्टल पे आराम करने। तो आपसे कल मुलाकात होगी नए वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चप्पा के